हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार इस चैनल पर आपको चाटुकार चीजें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि अननेसेसरी किसी भी मूवी या किसी भी एक्टर की यहाँ पर चाटी नहीं जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते धमाका, जो कि बॉलीवुड की एक अपकमिंग मूवी जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। उसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद जो रिव्यूअर्स वो लोग ने समझ गए कि भाई कार्तिक आर्यन को अब लोग थोड़ा पसंद कर रहे हैं। पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वो नेपोटिज्म वाला जो बवाल हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के बाद, तो उसके बाद कार्तिक आर्यन ही एक ऐसा एक्टर है जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए लोगों ने कार्तिक आर्यन को पसंद किया। बट कार्तिक आर्यन ने ऐसी कोई भी अच्छी मूवी नहीं बनाई है। मगर मैं बोलता हूँ कि हवा के साथ चलो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी चीजें ऑडियंस को बता जो वाकई में वर्थ वॉच है। फालतू की चूत नहीं करता हूं मैं, तो यार जो वर्थ वॉच है वो मैं बताता हूं। तो वो मूवी है बजरंगी टू, जो कि एक कन्नड़ा मूवी है जो इसी मंथ में यानी कि अक्टूबर 29 को रिलीज होने वाली है। और इसका ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है यूट्यूब में। 3 मिनट 12 सेकेंड का ये ट्रेलर है। और वाकई में जब ये ट्रेलर आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ, KFI इंडस्ट्री ने, कन्नड़ इंडस्ट्री ने अब कुछ अलग हटके और कुछ बोलते ना अपने ही बार को रेज किया है। और जब ये मूवी अनाउंस हुई थी और इसमें डॉक्टर शिवराज कुमार सर का नाम आया था और ए हर्षा जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, तो तब मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। या आप लोग कह सकते कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मूवी उस लेवल की बनेगी, लेकिन जो ये मूवी बन के आया है, जो प्रोडक्ट बनकर आपके सामने आया, यकीन मानो कोई बोल नहीं सकता कि ये KFI की मूवी है। व्हाट विजुअल्स, क्या मेहनत की है, जो आर्ट डायरेक्शन है, एक एक छोटी छोटी चीजों पर यहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया है। सिर्फ 3 मिनट 12 सेकंड में आपको एक अंदाजा हो जाता है कि हम एक ऐसे फैंटेसी एक्शन मूवी देखने के लिए जा रहे हैं जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम है नहीं। अब आप लोग बोलोगे यार हॉलीवुड से कंपेयर क्यों करो, जो चीज अच्छी होती है बंदा उसी से कंपेयर करता। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वाकई में इस बार KFI ने एक ऐसी मूवी बनाई है जो लिटरली हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है, और बॉलीवुड तो इसके सामने कहीं कहीं दूर तक नहीं ठहरता। इवन जो दूसरी साउथ इंडस्ट्रीज है वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ यार वाकई में KFI ने इस बार कुछ मूवी हटकर बनाई है। यार मुझे इसके ट्रेलर ने दीवाना कर दिया। और जो लोग फैंटेसी एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए किसी ट्रीट से कम होने वाली है नहीं। और अगर हम लोग बात करें सेंचुरी स्टार डॉक्टर शिवराज कुमार सर की, तो यार उनकी एक से बढ़कर एक मूवीज आती है। और कुछ मूवीज का रिव्यू तो मैंने इस चैनल पर भी डाला है, तो फालतू की चाटुकार चीजें नहीं कर रहा हूँ मैं। वाकई में वो एक ऐसे एक्टर है की मूवीज आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, और ये मूवी सबको शॉक कर देगी। लेकिन यहाँ पर मुझे शिकायत ये है ए हर्षा जो कि इसके फिल्म मेकर है, तुमने इस मूवी को हिंदी में रिलीज क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो महाराष्ट्र की पब्लिक वो मूवीज देखना चाहती है, और थिएटर अब ओपन होने वाले हैं यानी कल से 22 अक्टूबर से, तो तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस मूवी को हिंदी में रिलीज करने का, जो कि तुमने नहीं किया। ये कन्नड़ा लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो इसको देखूंगा। आप लोग भी जरूर जाके देखना इस मूवी को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, अगर आपको देखने का मन है तो। यकीन मानो अगर ये मूवी ऑडियंस को शॉक नहीं की ना, तो मुझे जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं सपोर्ट करता हूँ बजरंगी टू। आई होप कि बजरंगी टू वाकई में वैसे ही निकले जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो। और हाँ, आपने अगर ट्रेलर देखा है तो आपको इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर में क्या खास बात लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे जाना है ऑफिस, बाय।